कौन है मलिक रियाज हुसैन? इमरान की गिरफ्तारी की बने वजह, जाने क्या है पूरा मामला। नफरत की बुनियाद पर खड़ा पाकिस्तान अब हिंसा की आग में जल रहा है। पाकिस्तान से आने वाली एक एक तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि पाकिस्तान गृह युद्ध की कगार पर खड़ा है। और ऐसे हालात बने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी जिस अल कादिर ट्रस्ट में हुई है वो दरअसल एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। कथित तौर पर उस ट्रस्ट के दो ही ट्रस्टी हैं, इमरान खान और उनकी मौजूदा पत्नी बुशरा बीवी। आरोप है कि जब इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी के लिए अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की जमीन दी थी। मलिक रियाज हुसैन पाकिस्तान के सातवें सबसे अमीर बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, वो एशिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट कंपनी के मालिक भी बताए जाते हैं। उनके अनवेरिफाइड ट्विटर अकाउंट के बायो में उन्हें प्राउड मुस्लिम, पाकिस्तानी और बहरिया टाउन कंपनी का चेयरमैन बताया गया है। खबरों की माने तो मलिक रियाज का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में 8 फरवरी 1954 को बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्लर्क के रूप में की थी। जब उन्हें इस क्षेत्र में काफी अनुभव हो गया तो 1980 के दशक में उन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर ली। बाद में उन्होंने खुद ही ठेके लेने शुरू किए और 1995 में हुसैन ग्लोबल कंपनी बनाई, जिसने बहारिया फाउंडेशन के साथ करार किया था। धीरे धीरे उन्होंने इस नाम से रियल एस्टेट कंपनी बनाई। इसकी शुरुआत पाकिस्तानी नौसेना के लिए सोसाइटी बनाने के मकसद से हुई थी। आज उन्हें पाकिस्तान के इंग्लैंड तक में प्रॉपर्टी टाइकून माना जाता है। खबरें कहती हैं कि रियाज मलिक की पहुंच पाकिस्तानी सेना से लेकर पाकिस्तानी सत्ता में बहुत ऊपर तक बताई जाती है। उनके नवाज शरीफ की पाकिस्तानी मुस्लिम लीग से भी अच्छे संपर्क बताए जाते हैं, तो आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी से भी गहरे संबंध माने जाते हैं। पीटीआई से गहरे रिश्ते थे जिसके चक्कर में इमरान भुगत रहे हैं। मलिक रियाज का विवादों से बहुत ही पुराना नाता रहा है। भ्रष्टाचार के कई मामलों में उनके खिलाफ जांच चल रही है। इमरान खान के मामले में पाकिस्तान में दो तरह की थ्योरी है। एक में आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मदद देने के एवज में रियाज ने इमरान के ट्रस्ट को करोड़ों की जमीन और अरबों रुपए दिए, जबकि बाद में मलिक रियाज ने कथित तौर पर आरोप लगाए कि इमरान और उनकी पत्नी बुचरा बीवी ने गैर कानूनी तरीके से उनकी करोड़ों रुपए की जमीनें हड़प ली। उन्होंने इमरान पर यहां तक आरोप लगाए हैं कि दोनों मियां बीवी ने उन्हें जेल भेजने तक की धमकी दी थी। पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के कारनामे यूनाइटेड किंगडम में भी उजागर हो चुके हैं। वहां भी उनके प्रॉपर्टी से जुड़े कई विवाद रहे हैं और उन पर भ्रष्ट तरीके से धन जुटाने के भी आरोप लग चुके हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में उनकी भी गिरफ्तारी की मांग होने लगी है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और सत्ता में उनकी इतनी पहुंच है जिससे लगता है कि उन पर कोई हाथ डालने वाला है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।